नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ पिंकी। यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों में सुमार शहर के कसिया रोड पर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के 100 वर्ष पूरे होने पर संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन संध्या सुनकर भगवान राधा कृष्ण के भक्त जमकर झूमे और ताली बजाते हुए नजर आए। साथ ही भक्तों ने एक एक कर कतारें बनाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। वहीं जनपद के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर राज नारायणाचार्य भी इस भव्य आयोजन में शिरकत करते हुए नजर आए। वहीं भगवान के भक्तों को आशीष वचन भी दिया। मंदिर के पुजारी पंडित रिंकू शास्त्री ने बताया कि इस मंदिर का शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पर वो मनाया जा रहा है जो कि देवरिया जिले का सबसे प्राचीनतम मंदिर है और हम और हमारी पूरी पीढ़ी भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज का कार्यक्रम भगवान का अभिषेक हुआ, पूजन अर्चन हुआ और भक्तिवाटिका पीठाधीश्वर श्री राज नारायणाचार्य जी महाराज के विहार बिंदु से कुछ भक्तों को सुशोभित किया गया। ये मंदिर कब से निर्माण है? भजन गाया थे। हाँ, इस मंदिर का निर्माण कब से है? इस मंदिर का निर्माण 1918 में। किसके किसके लिए? ये श्री उदयपुरिया गोयल बाबू सुखदेव दास जी के सीताराम जी के कमलों द्वारा इस मंदिर की स्थापना की। इनके संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक श्री राम जी गोयल। इतना सुंदर माहौल, इतनी सुंदर छवि, भगवान श्री राधा कृष्ण की इतनी सुंदर छवि हमें नहीं लगता है कि यहाँ कहीं आसपास में हो। लगता है कि प्रत्यक्ष ही राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने भक्तों को निहार रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ये देवरिया का प्राचीनतम मंदिर है। शताब्दी महोत्सव भले ही मना रहे हैं, लेकिन 1905 से लेकर अभी तक यहाँ भगवान की सेवा होती आ रही है। अभी भी देखो, लगता है कि भगवान स्वर्णिम है, एकदम स्वर्णमय भगवान है। भगवान को देखकर के बरबस आंखें इधर से उधर नहीं जाती, मन करता है कितना देखूं, कितना इन्हें हृदयंगम कर लूं। और ये प्रत्यक्ष भगवान है, इनकी कृपा से ये संस्कृत महाविद्यालय चलता था, अभी भी चल रहा है जिस स्थिति में हो। ये इतना बड़ा बगीचा, ये सब कुछ हमारे गोयल परिवार के श्री सुखदेव दास जी गोयल, श्री सुखदेव दास जी ने अपना सब कुछ भगवान राधा कृष्ण के श्री चरणारविंदों में समर्पित कर दिया था। और सुखदेव दास जी ने पहले राधा कृष्ण भगवान की प्रतिष्ठा की। राधा कृष्ण कब खुश होते हैं? जब गायें होती हैं, गोकुल होता है, गायों के दूध होते हैं, दही, राष्ट्र समुन्नत होता है। गायों की वजह से उन्होंने गौशाला बनाई, उन्होंने पाठशाला बनाई और ये मंदिर सब कुछ राधा कृष्ण भगवान का है। और उन्होंने लिखा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या रामजीलाल गोयल से सुना है उदयपुरिया जी से, वो उन्होंने लिखा है कि हमारे वंशधर जो होंगे, हमारे वंश वाले इस मंदिर का संचालन करेंगे। तो इतना सुंदर संचालन हो रहा। बस इतनी बात समझ लो कि देवरिया का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर है, साक्षात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इसमें कहीं संशय वाली बात ही नहीं है। आप आकर के देखो, माथा झुका करके देखो, तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं होता है तुम खुद ही बताओगे। एक बार माथा झुका करके तो देखो, ये साक्षात परब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान है। आप लोग
आनंद ले रहे हो। शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं मंगल कामना कर रहा हूँ, शुभकामना कर रहा हूँ। पूरे पूरी जो रॉयल फैमिली है इसको रॉयल फैमिली में मान रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है कि अभी तक संचालन करते ही आ रहे हैं और भविष्य में अभी यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा।